शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। पिछले साल प्राकृतिक के कहर से सभी फसलों को भारी नुकसान हुआ था, वहीं कपास और सोयाबीन बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। कपास की कम दर से किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद किसानों ने कपास के भंडारण पर जोर दिया था, जिससे उन्हें सीजन के अंत में फ़ायदा हुआ। प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों को कपास रेट से काफ़ी सपोर्ट मिला। कपास की रिकॉर्ड कीमत का इस साल कपास की बुआई पर असर पड़ेगा। कृषि विभाग का अनुमान है कि वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग और मौजूदा कीमत को देखते हुए किसान इस साल कपास पर ज़्यादा ध्यान देंगे। रकबा बढ़ने की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने भी उचित योजना बनाई है। कृषि विभाग ने दावा किया है कि पर्याप्त बारिश होने से इस साल कपास सहित सोयाबीन का रकबा बढ़ जाएगा। वहीं किसानों के लिए इस साल खरीफ सीजन में कपास की खेती करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किसान केवल उन्हीं फसलों पर ध्यान दे रहे हैं जिनसे वह अधिक उत्पादन कर सके। वहीं वर्धा जिले में खरीफ सीजन का औसतन रकबा 4,37,000 हेक्टेयर है, जिसमें से 2,15,000 हेक्टेयर में कपास की बुआई होती है। कपास के साथ साथ किसान सोयाबीन, अरहर और ज्वार पर भी ध्यान देंगे। पिछले साल 4,42,773 हेक्टेयर में बुआई की योजना थी, जिसमें से 4,18,561 हेक्टेयर में खेती की गई थी। इसी के आधार पर इस साल खरीफ योजना बनाई गई। उम्मीद है कि सोयाबीन की तुलना में किसान सफ़ेद सोने पर ज़्यादा जोर देंगे। कृषि विभाग की नीति के कारण किसान के लिए सीजन से पहले कपास की बुआई करना संभव नहीं था। राज्य में कपास के बीज की बिक्री पर 31 मई तक रोक लगा दी गई थी। वहीं पिंक बॉलवर्म की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कृषि विभाग ने कपास की समय से पहले बुआई को रोकने के लिए ये निर्णय लिया था, लेकिन अब बीजों को हर जगह बेचने की इजाज़त दे दी गई है। ऐसे में कृषि विभाग को उम्मीद है कि बारिश होते ही किसान बुआई शुरू कर देंगे। सीजन की शुरुआत में कपास की कीमत 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक थी, जिसके बाद किसानों ने इसे बेचने के बजाय भंडारण पर ध्यान केंद्रित किया। अब रिकॉर्ड रेट को देखते हुए खरीफ में किसान सबसे ज़्यादा कपास की खेती पर जोर दे रहे हैं। वहीं खानदेश के एक किसान का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से इसकी खेती में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण पिंक बॉलवर्म कीट है। इन कीटों ने फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन इस साल कृषि विभाग के मार्गदर्शन और बाजार में कपास की मांग को देखते हुए किसान एक बार फिर कपास की खेती पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। वहीं खानदेश क्षेत्र में कपास मुख्य फसल है। यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा कपास उगाते हैं। कीमत की बात करें तो वर्धा और जलगांव जिले में भी अभी भी कपास का भाव 10,000 रुपये प्रति क्विंटल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।